काम बहुत हुआ है, सीवरेज लाइन का काम हुआ है, सब जो महिला को ये है, जनाना हॉस्पिटल है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, सड़कें हैं, पानी है, ट्यूबवेल है, शिक्षा नगरी है यहाँ सीकर, इसमें सब काम दुरुस्ती करने से होते आ रहे हैं। तब तो 5 बार विधायक चुने गए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं और जनता के सुख दुख का सब सुनते हैं और सब लोगों से बात करके सारा काम विकास का ही करते हैं, विकास पर ही विजन रखते हैं, दूसरा विजन नहीं रखते हैं। और यहाँ का विधायक सबसे लोकप्रिय विधायक है और सबसे विकास करने वाले 8ों में से एक है। वैसे सभी करते हैं लेकिन ये ज़्यादा बातें विकास पर ही करते हैं। हमारे सीकर संभाग बना है, बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षा नगरी है, शिक्षा नगरी होने के नाते 5-6 लाख बच्चे बच्चियां बाहर से भी रहते हैं, यहाँ का दायरा खूब आगे बढ़ता जा रहा है। सड़कें हैं, नाली हैं, ट्यूबवेल्स है, पानी है, बिजली है, ये सब सुख सुविधा की सब सुविधाएं बनाते जा रहे हैं। और जो भी आगे विकास का विजन आता है उसको आगे से बजट लाना है, काम करवाना है, ये सब कराते हैं। विकास का विजन जो है वो क्लियर है, उसी हिसाब से काम होता रहा। जब विकास की बात करते हैं सीकर में, तो अभी जितने काम हुए हैं, क्योंकि हर विधायक, हर मंत्री, जो भी हो, हर सरकार कोशिश करती है काम करने की और बढ़िया बेहतर करने की, क्या और होना चाहिए सीकर में, क्या लगता है? जैसे अपन अगर पूरी राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार 3 साल के अंदर तो सरकार बचाने में ही लगी रही। हमारे अगर शहरी विधायक की अपन बात करें तो ये भी 3-4 साल तो मंत्री की दौड़ के अंदर ही भागते रहे कि मेरे को मंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। लास्ट के अंदर 6 महीने बचे तो शहर के सौंदर्यीकरण के नाम से इतना फंड उठाया गया है, ये आप देखना, हर सर्किल बना हुआ है, जिसको इतने जल्दीबाजी में कोई 3 दिन में 5 दिन में तैयार किया गया है वो कितना लंबा चलेगा पहले तो आप ये सोचो। उसके बाद में आप अगर सीवरेज की बात करें, नवलगढ़ रोड एक बार देख के आना, पूरी रोड खुदी पड़ी है, लोगों के घरों तक धूल जाने को तैयार है, धूल चली गई है, लोगों के कैंसर की समस्याएं तक आ चुकी है वहाँ पे, अभी तक वो खुदे पड़े हैं। एक लड़का था बेचारा यहाँ पे पढ़ने वाला, वो खड्ढे में पड़ के मर गया बारिश के कारण। समस्याएं बहुत ज़्यादा नवलगढ़ रोड के आसपास की हैं और जनता अभी उम्मीद नहीं है कि जो भी नया MLA बने, जनता उब चुकी है, परिवर्तन चाहती है जनता, अब ये चाहती है कोई नया MLA बने। उससे ये आशा करते हैं कि एक तो ट्रैफिक, शहर के अंदर ये संभाग बन गया सीकर, इसमें ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, पूरे दिन जाम लगा रहता है, कोई बीमार होता है वो अस्पताल नहीं पहुंच जाता, बीच रास्ते के अंदर ही खत्म हो जाता है, बाईपासों के अंदर देखना बनता है, अतिक्रमण पड़ा है कि जगह जगह साधनों की भीड़ लगी पड़ी है, शहर के अंदर पूरा समस्याओं से भरा पड़ा। नवलगढ़ पुड़िया पूरी 5 साल इसको चौड़ा करने के लिए चला गया, कभी कौन सा फंड अटक गया, कभी कौन सा, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ उसका, बहुत सारी समस्याएं, जनता उम्मीद लगाए बैठी है कोई भी नया आए वो काम करे, विकास करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।